ना ये बहुत डार्क कलर लग रहा है, तो मुझे वापस कलर करना पड़ेगा। आई थिंक एक शेड लाइट मुझे करवाना पड़ेगा। रात्रि आज से मैं इधर हूँ एंड दो बार कलर करना पड़ा मुझे, दो बार। Hey guys, welcome back to my channel. Before we start the video, please subscribe to my channel. Also follow me on Instagram. Don't worry, मुझे चश्मे नहीं है. This is just the anti glares that I wear. तो ये मैं पहनती हूँ because मैं अपने फ़ोन में बहुत ज़्यादा रहती हूँ and while editing also मुझे ज़रूरत पड़ती है इसकी. तो ये नंबर वाले नहीं है, ये जस्ट एंटी ग्लेयर्स है. इतने कन्फ्यूजन के बाद एंड इतना सोचने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि आई एम गोइंग टू कलर माई हेयर एंड ये मैं पूरे बाल कलर करने वाली हूँ. दीज आर नॉट गोइंग टू बी स्ट्रीक्स. टू बी ऑनेस्ट ये मेरा फर्स्ट टाइम ही मान लो, बिकॉज मैंने एक बार बहुत पहले करवाया था, यू कैन से 10-12 ईयर्स बैक. तो उस टाइम पे तो मैंने कुछ अजीब वो गरीब ही करवाया था. सो यू कैन से दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम कलरिंग माई हेयर. तो मैं हूँ एक्साइटेड और मैं थोड़ी सी नर्वस भी हूँ बिकॉज मुझे नहीं पता है कि कैसा कलर हो जाएगा. कल जाके मैं ऑलरेडी कलर देख कर आई हूँ कि मुझे किस तरीके का कलर चाहिए. अभी नहीं बताऊंगी, आप गेस कर सकते हो कौन सा कलर है. इतना कुछ लाउड नहीं करवाना है मुझे बिकॉज ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम ही करवा रही हूँ. सो आई डोंट वॉन्ट इट टू यू नो लुक लाउड. मे बी नेक्स्ट टाइम वेन आई गेट यूज टू द कलरिंग, शायद से उसके बाद मैं स्ट्रीक्स एड करूँ या फिर यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ कलर करवाऊंगी. बट दिस इज अ सेफर ऑप्शन दैट मैंने चूज किया है एंड अपॉइंटमेंट भी ले लिया है. सो लाइक आई थिंक हाफ एन आवर में मुझे पहुँचना है वहाँ पे. ओह शिट, हाफ एन आवर ही बाकी है. सो एक और रीज़न है मैं कलरिंग इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मेरा बर्थडे मंथ है. सो एंड ऑफ द मंथ ऑफ ऑगस्ट इट्स माय बर्थडे एंड लास्ट ईयर मैंने अपने बाल स्ट्रेटन करवाए थे. तो लास्ट ईयर के बाद एक और बार बीच में मैंने स्ट्रेटनिंग करवाई थी जस्ट फॉर द टच अप. सो मेरे बाल ऑलरेडी स्ट्रेटन अप है. अभी ये साल आई एम थिंकिंग टू कलर माय हेयर. लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी है तो मैं सोच रही हूँ नीचे से थोड़ा ट्रिम करवा दूँ बिकॉज बाल बहुत ज़्यादा लंबे लग रहे हैं. तो बर्थडे प्रिपरेशन स्टार्ट हो गए एंड दिस इज़ लाइक द फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ माइंड कि मैं अपने आप को पैम्पर कर रही हूँ एंड आई एम कलरिंग माई हेयर. दूसरे प्रिपरेशन्स भी आएंगे सून. आई विल मेक मोर वीडियोज अबाउट माई बर्थडे प्रिपरेशन्स. थोड़ा सा खा के निकलती हूँ. सो माई मॉम इज़ मेकिंग सैंडविच फॉर मी बिकॉज वहाँ जाके मुझे नहीं पता, आई थिंक 1.5 आवर 2 आवर्स तो लगते हैं. जस्ट निकली हूँ मैं, इतनी लेट हूँ. 3 o'clock की अपॉइंटमेंट थी, 3:20 यहाँ पर हो गए. ऑलवेज ऑलवेज लेट, गॉड. मेरे घर से ये एक्चुअली सिर्फ 5-7 मिनट्स वॉकिंग है बट मैं लेट हो गई. आई एम थिंकिंग कि मैं रिक्शा ले लूँ अमीरों वाले चोचले. सो वी आर प्रेजेंटली गोइंग फॉर अ ग्लोबल कलर्स. या एंड द कलर इज गोइंग टू बी लाइक अ ब्राउन. ओके, या वी आर प्लेइंग अ ब्राउन. या एंड ज़्यादा आई एम नॉट डूइंग टू डार्क ऑल्सो बिकॉज थोड़ा कलर दिखना चाहिए. यस ऑफ कोर्स द कलर विल नॉट बी डेड ब्राइट बट ऑफ कोर्स इट विल बी द विजिबल कलर्स. या अभी ग्लोबल करवा रही हूँ स्ट्रीक्स, अगर बाद में करने का मन हुए तो आई कैन डू. This is the first application we are doing. Yeah. Because I'm just leaving the roots because I don't want to keep that roots very low. Okay. Okay, so once we do this, after 10-15 minutes, we'll check, visual check. Okay. Okay, and once the colors are getting, then we'll go back to the roots. So like, we'll be free like in an hour. Oh, that's quick. Yeah. सारे लग गए ना पीछे मेरे करने में, तो इसलिए टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा मुझे लग रहा है. After the wash, ज़्यादा light तो नहीं होएगा ना? नहीं नहीं नहीं. These colors are permanent color. Okay. They don't fade. Okay. They don't fade easily. Okay. They will not become in a blonde side. अच्छा. Got it. तो मेरी कॉफ़ी आ गई है. Yum. ये waiting time काफ़ी boring है because I don't have to do anything. I just have to wait. To मुझे थोड़ा डार्क लग रहा है बट नहीं नहीं दिख कर आएगा. दिस इज हाउ द कलर विल लुक. आई थिंक ही डस पूरा बाल में तो शायद दिखना चाहिए बट मुझे पता नहीं, मुझे डार्क लग रहा है अभी. सो वी स्टार्टिंग विद द रूट्स नाउ. मैं तुम पे डिपेंडेंट हूँ, यू हैव टोल्ड मी ये लाइट कलर दिख कर आएगा.
आई होप सो। रूट्स पे लगा दिए उसने, सो अभी और थोड़ा वेट करना पड़ेगा एंड देन वील वॉश द हेयर। ओके, कलर कुछ ऐसा लग रहा है बट मुझे ना ये बहुत डार्क कलर लग रहा है एंड आई नीडेड अ टोन, थोड़ा सा लाइट चाहिए था मुझे बट स्टिल दिस इज लुकिंग क्वाइट डार्क। आई थिंक बहुत अच्छा रहा है, ये ऊपर से लाइट लग रहा है बट नीचे से काफ़ी डार्क लग रहा है, तो मुझे वापस कलर करना पड़ेगा। ये लग बहुत अच्छा रहा है, आई थिंक एक शेड लाइट मुझे करवाना पड़ेगा। वापस लाइट कलर अप्लाई किया है एंड अभी थोड़ा टाइम रखना है मुझे। आई होप ये टाइम प्रॉपर कलर आए जैसा मैंने चाहती हूँ वैसा आए। मुझे ऑलमोस्ट 3 आवर्स हो गए, 3 आवर्स से मैं इधर हूँ एंड 2 बार कलर करना पड़ा मुझे, 2 बार। ओके, आई गॉट द कलर डन एंड आई थिंक इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। इंटरनेशनल लुक आ रहा है कि नहीं? दिख क्या रहा है। सो आई एम होम नाउ एंड अभी आप देख सकते हो प्रॉपरली मेरा कलर कैसा दिख रहा है। मेरी मॉम को तो बहुत ज्यादा पसंद आया, उन्होंने काफी ज्यादा ओवर द टॉप वाला रिएक्शन जो दे दिया है, जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही मिला है। थोड़ा सा ब्राउनिश, आई थिंक आफ्टर 2-3 वॉशेज बेटर होएगा कलर, काफी इंटरनेशनल लुक एक्चुअली में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि यू नो काफी डिफरेंस लग रहा है। आई एम क्वाइट हैप्पी विद द ट्रांसफॉर्मेशन। आई शुड स्टॉप टचिंग माय हेयर, इट्स लुकिंग सो प्रिटी। पीछे से भी दिखा देती हूँ मैं कैसा लग रहा है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा मेरा हेयर ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक आई लुक फैबुलस। Also, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। Also, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट येट। आई सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। टिल देन, बाय बाय।